नमस्कार दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसे हादसे हो ही जाते हैं जैसा कि सब जानते हैं। एक बार कोई हादसा होने पर पीड़ित व्यक्ति को तो शारीरिक व मानसिक कष्ट होता ही है, उसके परिजनों को भी आर्थिक व मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है। थोड़ी सी सावधानी से ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। इन्हीं हादसों में यदि आप फेविक्विक काम में ले रहे हैं और आपकी आंखों में गिर जाए तो क्या करें? फेविक्विक एक रासायनिक पदार्थ होता है जो कि हवा के संपर्क में आने के बाद वाष्पीकृत होकर जम जाता है। फेविक्विक काफी मजबूती से किसी दो सतहों को आपस में चिपका देता है। अक्सर फेविक्विक इस्तेमाल करते समय अंगुलियों में जरूर लग जाता है और हमारी अंगुलियां भी चिपक जाती हैं। तो ऐसे में हमारे मन में एक सवाल जरूर उठता है कि क्या होगा अगर फेविक्विक आंखों में पड़ जाए तो? क्या आंखें भी चिपक जाएंगी या फिर आंखों को क्या नुकसान हो सकता है? जब हम फेविक्विक का यूज कर रहे हों तो हमें सावधानी के साथ इसका यूज करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी त्वचा पर बहुत ही जल्द चिपकता है और इसे निकालना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अक्सर छोटे बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और कभी उनकी अंगुलियों पर फेविक्विक लग जाता है और कभी कहीं और। हमारी आंखें बहुत ही नाजुक होती हैं और अगर हमारी आंख में गलती से फेविक्विक चला जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंखें अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होती हैं। जैसे ही हमारी आंख में फेविक्विक पड़ेगा तो आंसू निकलने लगेंगे, जिससे फेविक्विक बेअसर हो जाएगा। फिर भी हमारी आंखें लाल पड़ जाएंगी और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। यदि आंख में फेविक्विक पड़ गया हो तो कभी भी अपनी आंखों को बंद नहीं करना चाहिए और न ही रगड़ना चाहिए, क्योंकि इससे आंखों की पलकों का आपस में चिपकने का खतरा बढ़ जाता है। फेविक्विक हटाने के उपाय यह है कि आंखों को साफ पानी से छींटे मारकर धो लेना चाहिए, इससे राहत मिलेगी और तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर चेक करके आपको ड्रॉप देंगे, जिससे डालने पर कुछ घंटों या दिनों में आंखें एकदम नॉर्मल हो जाएंगी। इसी तरह यदि घर में गुलाब जल उपलब्ध हो तो 2-3 बूंदें गुलाब जल की आंखों में डाल लेनी चाहिए, जिससे आंखों को कुछ राहत मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो एसएसएन मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।